नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वुमेन्स डे के मौके पर हमने अभी तक जितनी भी चीजें शेयर की हैं वो महिलाओं से ही रिलेटेड हैं, उनसे ही बात किया। लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जहाँ पे मैं काम करती हूँ, जो मेरा वर्क प्लेस है न्यूज रूम, उसके अंदर जो हमारे कलीग्स और मेरे सीनियर्स हैं, वो मेरे बारे में और महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। जब कभी एक न्यूज रूम में एक महिला रिपोर्टर या महिला एंकर काम कर रही है तो उसको लेके उनका क्या नजरिया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे न्यूज चैनल के एडिटर मिस्टर किशोर कुमार से। तो किशोर सर, आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि जब पहली बार मैं जब इस न्यूज रूम में आई थी, ठीक है, एज एन इंटर्न आई थी, तो आपका मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन आप पे क्या रहा था? देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम इस रूम में आई थी तो आपका इम्प्रेशन की बात जो है, मैं तो अपने काम में ही लगा था। मैंने देखा जैसे और इंटर्न्स वगैरह आते हैं, वैसे आप भी एक नॉर्मली अपना काम करते हैं, और वैसे भी न्यूज़ रूम के अंदर जो लोग काम करते हैं वो एक फैमिली की तरह होते हैं, और उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ उस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। वुमेंस डे पे ही आप बात करें तो हम उसी पे ये कहना चाहेंगे कि जैसे एक परिवार होता है, तो वैसे जो न्यूज़ रूम में लोग जो काम करते हैं वो भी एक फैमिली की तरह ही होते हैं। तो अगर उन्हें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम्स आती हैं किसी लड़की को या किसी लड़के, महिला या पुरुष, किसी को भी, तो उन्हें उनकी दिक्कतों का सलूशन उनको देना चाहिए, ना कि उन पर बुरी नज़र रखनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो लड़कियों को और ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ अपनी फैमिली को, भाई देखिए, लड़कियाँ काम करने कब निकलती, या तो उन्हें बहुत ज़रूरत होती काम की कि भाई हमारे परिवार में कोई चलाने वाला नहीं है, हमारे परिवार को खर्चे कैसे होंगे, तो उन सब के लिए लड़कियाँ निकलती हैं काम करने के लिए, या बहुत कोई एम्बिशियस होती हैं कि हमें बहुत ऊपर तक जाना है। तो इस तरह से पुरुषों को जो है महिलाओं को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए कि वो रात में आ रही हैं, देर हो गई, तो भाई उन्हें ऑफिस में देर से काम भी तो हो सकता है। तो यही सब चीज़ है कि भाई, तो सिंपल सा इनका एक ही कहना था कि इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन हाँ, जैसा भी इन्होंने बताया कि एक फैमिली की तरह पूरा हमारा न्यूज़ रूम है। तो अब हम बात करते हैं, हम आपको ले चलते हैं चैनल के प्रोड्यूसर के पास, मिस्टर आसिफ दुलार के पास। तो सर, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि एज एन इंटर्न मैं आई, मैंने सर से भी एक ही क्वेश्चन किया, तो आपको क्या, मतलब मेरा आपके ऊपर क्या फर्स्ट इम्प्रेशन था? देखिए, होता क्या है कि इम्प्रेशन की बात, अभी तकरीबन देखिए अब तक के इस चैनल में 100 इंटर्न्स आ चुके हैं, मेल फीमेल, लड़के लड़कियां, बच्चे आते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं। तो जैसे आप जब आए ना, तो हम लोग का नज़रिया ही वह रहता है कि भाई अपना 45 दिन के लिए इंटर्नशिप पर आई हैं, क्योंकि अमूमन कोई हम लोग के काम को लेकर जो हमारा जो मापदंड है, अपना एक क्राइटेरिया हमारा बना हुआ है कि जो हम जिसको अपॉइंट करेंगे उसके अंदर ये खबरों की समझ होनी चाहिए, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो उस तरह की चीज़ें बच्चों में अमूमन इस वक्त कम, थोड़ा सा मुझे कम लगा। स्टार्टिंग के 15-20 दिन अगर मैं बात करूँ तो 15-20 दिन जो आपका रवैया रहा वो उन्हीं की तरह था, तो हम लोगों लगा भाई 45 दिन होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। लेकिन 20 दिन के बाद तकरीबन फिर आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट हमें दिखा, तो काम को लेकर संजीदगी, खबरों को समझना, खबरों को लिखना और उनको विजुअल्स को चेक करना, पाइट्स को सुनना, जो एक एक जो इनिशियल स्टेज होती है पत्रकारिता की या टीवी इंडस्ट्री की, वो सारी चीज़ें हमने आपके अंदर देखी, तो हमको लगा कि हाँ ठीक है कि ये बच्ची है, ये कुछ कर लेगी। तो उस वक्त फिर यही था कि मतलब कुल मिला के ये था कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका हमारे ऊपर वैसे ही नॉर्मल था जैसे कि बाकी बच्चे हमारे यहाँ आते थे। तो सर, आपने मतलब पहले भी मेरे ख्याल से बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स में काम किया है, तो वहाँ पे आपकी महिला कलीग्स रही होंगी, ठीक है, फीमेल्स रही होंगी, एंकर्स रही होंगी, रिपोर्टर्स रही होंगी, तो आप जब वहाँ पे काम करते थे तो क्या आप कंपटीशन आपको लगता था एक तरीके का कि नहीं ये फीमेल है तो अगर ये मेरे से आगे जाएगी तो ये मेरे से आगे कैसे जा सकती, क्योंकि आजकल ये चल रहा है, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, देखिए होता क्या है कि मेरा जो 10 साल का अपना करियर, 10-12 साल जो भी हुआ है, छोटा सा मुख्तसर सा वक्त है, वो एक क्राइम बीट पर ही गुजरा है, और लड़कियां थोड़ा सा क्राइम बीट से कमी इत्तेफाक रखती हैं। अब चूँकि शो हमारा रात में 10:30 बजे है या 11:30 बजे है, अब हमें जो अपने लिए बंदा चाहिए होता है वो चाहिए होता है ताकि जो हमारा शो ऑनियर कराए। अगर मैं होस्ट कर रहा हूँ तो मेरे बैकअप में 2 बंदे तो होने चाहिए। अब पता लगा कि जब शो जाने का टाइम आता है, जब हम स्टोरीज 7 बजे शाम को डिसाइड कर रहे होते हैं,
तो उस लड़की का या हमारी जो कुलीग होती है उनके जाने का वक्त होता है, तो उस टाइम तो इस वजह से क्राइम में लड़कियां भी कमी इंटरेस्ट दिखाती हैं। अमूमन मैंने तो यही देखा है, एक दो लड़कियां अच्छी निकली भी हैं जो इस वक्त देश के नामी चैनल्स में हैं भी, तो वो अपना कर रही हैं, जिनके पास टाइम की बाउंडेशन नहीं रही, वो अगर क्राइम में इंटरेस्टेड हैं तो वो अपना कर रही हैं। हालांकि मुझे कभी इनसिक्योर लड़कियों से नहीं फील हुआ, क्योंकि वजह या तो ये इसको ये कह लीजिए कि लड़कियां क्राइम में आती कम है, इसकी वजह ये भी हो सकती है, और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि भाई मुझे मेरा काम बेहतर लगता है, या मेरे काम को जो लोग जज करते हैं वो भी मुझे बेहतर आंकते हैं कि हाँ ये लड़का काम अच्छा करता है। तो अगर वो अच्छा काम कर रही है लड़की तो डिजर्व करती है, तो वो बेशक मुझसे आगे जाएगी, वो जाएंगी मुझसे आगे, वो मेरी हेड भी हो सकती हैं, वो मेरी चैनल हेड भी हो सकती हैं, हाँ काम ना करने की सूरत में वो मेरी जूनियर भी हो सकती हैं, पैलर करने की सूरत में वो मेरी कुलीग भी हो सकती हैं। तो ये तो काम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आदमी को ऊपर और नीचे ले जाना है तो उसका काम का ही स्तर होता है, उस पर कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी को भी फील करना चाहिए कि वो आगे निकल जाएगी या आप उससे आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो सर जैसे कि आपने बताया ये तो बहुत ही अच्छी बात, इनफैक्ट ऐसा बहुत कम लोगों में दिखता है कि वो अपने किसी भी कंटेंडर को कह सकते हो आप, क्योंकि आजकल क्या होता है कि फीमेल्स को ज़्यादातर चैलेंज के तौर पर ही देखा जाता है। अगर आपने चैलेंज नहीं देखा तो दैट इज़ वेरी गुड एंड आई एम इनफैक्ट ब्लेस्ड कि इनफैक्ट ये हमारे सीनियर ही हैं, मैं असिस्टेंट प्रोड्यूसर हूँ यहाँ पे एज एन एंकर हूँ, तो इनके अगर मैं इन्हीं से सीख भी रही हूँ। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्टूडेंट ने, जैसे कि आपने आपके अंडर में भी कुछ लोग आए होंगे काम किया होगा उन्होंने, कभी उनसे कोई झड़प हुई हो इस चीज़ को लेके कि नहीं आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मुझे सिखा रहे हैं, नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ देखिए, नोएडा रहने के दौरान इस तरह की चीज़ें हो जाती थी कि अब बच्चे आए हैं, अब उनको चूँकि कॉलेज में जो बताया जाता है, कॉलेज और न्यूज़ रूम दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे से, जो कुछ भी कॉलेज में बताया जाता है 90% कॉलेज में जो बताया जाता है वो न्यूज़ चैनल में अप्लाई नहीं होता, वो काम के दौरान कहीं अप्लाई नहीं होता। तो बच्चों को जो फीस लेके कॉलेज तो कुछ ना कुछ समझा देते हैं, अब बच्चे जब न्यूज़ रूम में आते हैं तो उनकी ख्वाहिशात वही होती हैं, उनकी सोच वही होती है कि मैं जाऊँगा और मैं बूम कर दूँगा, मगर ऐसा नहीं होता है। चैनल में छोटे छोटे सी एक छोटे जो मैं प्रोड्यूसर अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ एडिटर हैं जैसे किशोर जी हो गए, टेक्निकल में हमारे अमन सिंह जी हैं, उसके बाद अहमद आगा साहब हैं, आप हो गए एंकरिंग में, तो ये एक्चुअली 8-10 लोगों की टीम होती है जो साथ में मिल के काम करती है, और हम एक प्रोजेक्ट या एक पैकेज प्रोड्यूस करते हैं हम सब मिल के, तो ये अकेले का वर्क, चूंकि लेकिन बच्चों को ये लगता है कि वो आए हैं और वो बूम कर देंगे। ऐसे सिचुएशन में जब हम उनको बताने की कोशिश करते हैं, नहीं बेटा ये ऐसे नहीं होना है, ये इसके स्टेप्स हैं, क्योंकि अगर आप साइकिल भी चलाना सीखेंगे तो पहले जाहिर सी बात है कि आप कोई छोटी साइकिल चलाएंगे फिर थोड़ी बड़ी चलाएंगे, अब ऐसा थोड़ी ना उम्र आपकी 10 साल है आप सीधे बाइक लेके निकलें तो जाहिर सी बात है हादसा हो जाएगा, या बिना पैडल मारे ही आप साइकिल चलाने लग जाएंगे, या बिना सीढ़ी पकड़े ही आप छत पे चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। लेकिन उनको ये लगता है कि कुछ लोगों को कुछ बच्चे ऐसे हुए तो उनको लगने लगा, लड़कियाँ भी थीं उसमें लड़के भी थे, उनको ये फील हुआ कि ये जो है डोमिनेट कर रहे हैं, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं चाहता था वो आगे बढ़े, और लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप ही तो काम सीखेंगे, लेकिन उनके अंदर वो ललक नहीं थी। हालांकि उनमें से कुछ लड़के लड़कियां रुके भी जिन्होंने उस स्टेप से सीखा, वो आज जो बात है कि बड़े बड़े संस्थान में हैं, वो इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कमेंट सेक्शन में खुद अपने नाम लिखकर भेज दें कि वो कहाँ कहाँ इस वक्त काम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो अब वो बच्चों की सोच है, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप ही आपको काम करना है। आप भी काम कर रही हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में आपको क्या सिखाया, स्टार्टिंग में जैसे कि आपने फिर पेपर आप देख रही थी, फिर आपने बाइट्स काटी, फिर आज आप छोटी खबरें लिखी, फिर आपने पैकेजेस लगना शुरू करे, फिर धीरे से आप एंकरिंग करने लग गई, तो ये सब स्टेप बाय स्टेप होता है। हम सीधे माइक आईडी लेके आप अगर आप यहाँ पर खड़ी हैं तो आपने एक साल का लंबा सफर उसके लिए तय किया है, आपने मेरे आगे माइक आईडी लगा दिए लाकर, तो ये आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने बोलने में लिखने में समझने में एक साल का वक्त खर्चा किया है, तो वो आप आज डिजर्व कर रहे हो, सो आप खड़े हो। अगर उस वक्त आपने भी ये सोचा होता कि ये मुझे डोमिनेट कर रहे हैं तो आप आज यहाँ ना होते, शायद हो सकता है कि संस्थान में होते लेकिन इस पोजीशन पे ना होते। तो सर जैसे कि आज महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो आज आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन,
वुमेंस डे जो है बहुत ही अहमियतदार दिन है। कुछ लोग इसको लेके सवालात भी उठाते हैं कि भाई महिलाओं को एक दिन ही क्यों, मैं भी उसी जमात में शामिल हूँ। महिलाएं हमारे समाज का वो अहम हिस्सा है, उनके लिए एक दिन नहीं पूरा साल होना चाहिए। हर वक्त उनकी इज्जत होनी चाहिए, हर नज़र में उनको लेके एक तहजीब एक तमीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात में अगर कोई महिला या लड़की जो है वो रास्ते से सुनसान रास्ते से गुजर रही है तो आप उसको देख के कुछ आपके अंदर गलत ख्वाहिशात उठ जाएं, उसकी मजबूरी भी हो सकती है। इस चीज़ को समझिए क्योंकि एक महिला से ही आप पैदा हुए हैं, एक महिला से आपकी ही शादी हुई है और एक महिला के ज़रिए ही आपकी संतान पैदा होगी और आपके नस्ल आगे बढ़ेगी। अगर महिलाएं नहीं होंगी तो ये नामुमकिन है, आपके बाद आपका ख़ानदान, आपका वजूद, आपकी विरासत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए महिलाओं का जो एक सम्मान होना चाहिए, एक जो वजूद है इस दुनिया में, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हैप्पी वुमेंस डे। तो चलिए अब आपको हम ले चलते हैं अपनी चैनल की टेक्निकल टीम के पास। सबसे पहले बात करेंगे अपने सोशल मीडिया मैनेजर मिस्टर अहमद आगा की। तो अहमद सर, आप सुबह से ही मेरे ख्याल से जितने भी चैनल पे कंटेंट्स जा रही हैं आप उनको देख रहे हैं, तो आप महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं, आपका मैसेज शेयर देना चाहते हैं? पहले तो मैं जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ महिला दिवस की, और ये कहना चाहता हूँ कि सभी को जो है महिलाओं का सम्मान करना चाहिए क्योंकि महिलाओं के बिना जो है ये संसार एक तरीके से अधूरा है, और मैं जो है साथ यही कहना चाहूँगा। तो ये थे मिस्टर अहमद आगा, इनको कैमरे के सामने ये ज़्यादा कम ही आते हैं तो थोड़े शर्मीले मिजाज के हैं। अब चलते हैं आपको लेकर हम अपने प्रोडक्शन इंचार्ज से मिस्टर अमन सिंह के पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो महिलाओं को लेकर क्या विचार रखते हैं। सर, जैसे कि आप टेक्निकल डिपार्टमेंट देखते हैं, पूरा हमारा सोशल मीडिया का चीज़ें देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं टेक्निकल चीज़ों में किस उनका अस्तित्व क्या रह गया है और क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें वो आगे जा रही हैं? पहले तो मैं सारे दर्शकों को वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। खुशबू जी, आपका जो सवाल है टेक्निकल, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे अहमद आगा साहब हैं और बाकी टीम है, जब सोशल मीडिया पे हम काम करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जब हम वीडियोस डालते हैं, सपोज़ रेप की वीडियोज़ हो गई या लड़कियों से जो अलग अलग तरीके के प्रताड़ना होती है उनके खिलाफ़ वो वीडियोस हो गई, तो नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसको समाज का एक दूसरा चेहरा भी मिलता है हमें वहाँ पे, कि नहीं लड़की ने कपड़े छोटे पहने हैं तो इनके साथ ये होना ही था, गांव में लड़कियाँ ऐसे नहीं घूम सकती हैं, शहर का माहौल जो है वो बड़ा ख़राब है, सरकार पर सवाल उठा देते हैं, अगर कोई लड़की आगे बढ़ती है तो उस पर सवाल उठा देते हैं। तो ऐसा भी एक चेहरा है समाज का जो हमारे सोशल मीडिया पर आपको मिलेगा। अगर आप हमारे वीडियोज़ देखते हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे, आपको कमेंट सेक्शन में जाएंगे, आपको सब सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आएंगी। मैं कुछ चीज़ें यहाँ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी आपत्तिजनक शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं, हालांकि हम कोशिश करते हैं कि ऐसे शब्द ना यूज़ हो। रही बात अगर न्यूज़ चैनल की बात करें, अगर हमारे कोई स्टाफ में लड़की होती है या फीमेल एंकर्स होती हैं, जब हम टेक्निकली स्ट्रेटजी बनाते हैं, सपोज़ कहीं आजकल घटनाओं में रेप का बात ले लीजिए, तो लड़की कंफर्टेबल हो हमसे बात करने के लिए, या जो एंकर है या जो प्रोड्यूसर है वो अगर फीमेल है तो हमसे कंफर्टेबल हो अपने पॉइंट्स रेज करने में, कि सपोज़ हमें ये पॉइंट यूज़ करना है, सपोज़ हिचकिचा रही है कि अरे लड़का है तो मैं इससे कैसे बात करूं, या ये सीनियर है तो मैं इससे कैसे बात करूं रेप के बारे में, कि मेरे को स्टोरी करनी है। अगर मेरे साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, मेरे न्यूज़ रूम में ही कंफर्टेबल नहीं है और हम समाज का चौथा स्तंभ कहे जाते हैं, तो ये लगता है, मुझे लगता है कि ये चीज़ें कुछ गलत हो रही हैं। इसलिए हमें ऐसा माहौल देना चाहिए न्यूज़ रूम में कि जो हमारे एंकर्स हैं, जो फीमेल स्टाफ है हमारा, वो हमसे कंफर्टेबल रहेगा बात करने में, ताकि क्या होता है तो इनपुट्स आ सकें जिससे अच्छी स्ट्रेटजी बन सके और अच्छी न्यूज़ हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकें। तो बेसिकली क्या है, महिलाओं के बिना समाज की कोई परिभाषा नहीं है। अगर लड़कियां हैं तो लड़कों में शिष्टाचार आता है, घर में माँ है तो लड़के तमीज़ सीखते हैं, क्योंकि घर में अगर माँ ना हो ना तो लड़के ना दिन भर आपको लगेगा कि अलग टाइप के ही आपको कुछ लोग मिलेंगे। तो मेरे को ये लगता है कि महिलाएं हैं तो समाज आज जीवित है। तो जैसा कि अमन जी ने कहा कि महिलाएं हैं तो समाज जीवित है, और इसी के साथ ही मैं ये पूरा सेशन एंड करना चाहूँगी एंड ये बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं न्यूज़ टाइम नेशन के साथ काम कर रही हूँ। मेरा वर्क प्लेस, मेरी चीज़ें और मेरे कलीग्स और सीनियर्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि वो मुझे सपोर्ट करते रहते हैं हर एक चीज़ में। तो बाकी की खबरों के लिए हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।
नमस्कार।